हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिल में चिल। तो मैं अभी अपने गाड़ी में हूँ और गाड़ी में क्या कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। क्या है, आपको जैसे कि पता है मैंने रिसेंटली अभी आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया है, तो मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं रेगुलर ब्लॉग करूँगा, मतलब एक या दो तीन जैसे भी है मैं एक बार ट्राई करूँगा रेगुलर ब्लॉग क्या होता है। और इस ब्लॉग में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है और वो भी आपको दिखाऊँगा क्या है। चलो अभी मैं जा रहा हूँ दूध छोड़ने। ये देखिए दूध का बैग है, मतलब हमारे पास घर में गाय है, दूध छोड़ने मैं जाता हूँ शमशी तक, लोगों को दूध देता हूँ घर घर जाकर। चलो अब शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत कुछ अच्छे तरीके से। चलो निकल रहा हूँ वापस घर की तरफ। बाकी इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। वैसे तो मेरी फैमिली में 9 मेंबर्स है, मतलब मेरी 6 सिस्टर्स है और मैं सबसे लास्ट हूँ, सबसे छोटा हूँ। और उन सब की तो वैसे शादियां हो चुकी है, अब घर पर मम्मी पापा और मैं हूँ, बाकी बहुत जल्द मंजू भी आने वाली है और एक लूना भी है। बाकी गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे घर के सामने जो ये पहाड़ देख रहे हो आप ट्रायंगल शेप का, यहाँ ये बिजली महादेव है, टॉप पर बिजली महादेव जी का टेम्पल है और बिल्कुल मेरे घर के सामने है और ये सबसे अच्छी बात है। तो अभी मैं पहुँचा हूँ अपने तंदूर वाले रूम में, थोड़ा ठंड हो रही थी और यहाँ पर मम्मी पापा भी है और वो कुछ काम कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए काम कर रहे हैं, चुपचाप बैठते ही नहीं है, कुछ ना कुछ काम करना ही होता है इन्होंने। और ये जो हो रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं ऊन कातना। ये देखिए इससे आपको तो पता ही है हम हिमाचली है और इससे पटू बनाए जाते हैं ऊन के, जो कि सर्दियों में बहुत काम आते हैं ठंड से बचने के लिए। मम्मी यहाँ पर ऊन कात रहे हैं और पापा यहाँ पर उस ऊन के धागे को ऐसे रेटू बोलते हैं इसको, रेटू बना रहे हैं उसका। ये देखिए ऐसे यहाँ से धागा जा रहा है और ये ऊपर एक बॉल जैसे टाइप का। तो बाकी गाइज अब वो टाइम आ गया है कि मैं आपको इस ब्लॉग का जो मेन सरप्राइज़ है वो दे दूं और अभी आपको लूना से भी मिलवाऊंगा क्योंकि वो सरप्राइज़ लूना से ही रिलेटेड है। चलो ये है हमारा सबसे प्यारा सरप्राइज जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था। ये है लूना और लूना के पपीज जो 5-5 हुए हैं, बहुत ही प्यारे हैं। देखिए जिसमें से 2 मेल है और 3 फीमेल है। और ये देखिए लूना, लूना भी बहुत ही सुंदर लग रही है और लूना के पपीज भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। लूना अपने पपीज का कितना केयर कर रही है मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लगा नहीं था कि लूना अपने पपीज का इतना ध्यान रखेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शरारती थी, तो ये बहुत अच्छे से केयर कर रही है अपने पपीज की और सबको दूध पिला के सुला के रखा है इसने। आप में से किसी को भी अगर हमारे लूना के पपीज चाहिए होंगे तो वो हमारे इंस्टाग्राम हिल में चिल में टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम आपको वहाँ बताएंगे कि एक पपी का कॉस्ट कितना रहेगा। और हम वैसे इनको 40 डेज के बाद ही डिलीवर कर पाएंगे क्योंकि अभी छोटे हैं तो दूध पीना होता है, तो ऑब्वियसली अभी तो हम नहीं कर पाएंगे, पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आप कोई बात नहीं, आप टेक्स्ट कर सकते हो और बुकिंग्स कर सकते हो।
तो लूना को अभी भूख लग रही है, तो ये सोच रही है मुझे कब मिलेगा। वैसे मैंने लूना के फूड में दो एग और थोड़ा सा चिकन और ढाई रोटियां मैश करके ये देता हूँ इनको। इसको सिट, फालतू बात नहीं करनी है ना, अच्छे बच्चे हो ना। लूना बहुत मज़े से खा रही है, इसको लग रहा है मैं कभी भी उठा सकता हूँ, तो इसलिए थोड़ा जल्दी खा रही है, तो इसलिए मैं दूर हो जाता हूँ, आराम से खा ले। तो यहाँ देखिए आदि आया है लूना को मिलने, ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है लूना से। ये देखिए, आजा आजा, ये मेरा भांजा है। देखिए लूना भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अच्छे से मिला अभी इससे, ये नहीं काटेगी, देख मिल जाए इससे, तब तक नहीं है इधर से मानेगी। खोल अब इसको, खोल। तो गाइस अभी आधे डर रहा है, लूना खाए ना इसको, बट लूना आदि को नहीं खा रही है, क्योंकि लूना को पता है आदि अच्छा बच्चा है। तो ये है लूना के पपीज। देखिए गाइस, ये है मेल, मेल हाँ मेल है, ये लड़का है ये। तो एक पीती है दूध। मिल लिया लूना के बच्चे से, कैसे लगे? क्यूट है, तेरी तरह है या तेरे से भी ज्यादा क्यूट है? हैं? लूना के जैसे हैं? अच्छा। तो पापा भी बच्चे को देख लेना, तो ले जा 3000 दे। वो मैं पता लगा सकता हूँ लड़का कौन है। अरे मेरे को पता है, मैं ध्यान से देख सकता हूँ। हाँ तो देखना। अरे कैसे देखूँ, जो आउट आ गई इंदिरा तो। बता लड़का है कि लड़की है? लड़का है। लड़का है? कहाँ है लड़का, दिखा। कहाँ है लड़का, दिखा बोला। नहीं 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 सॉरी, अच्छा लड़की है। कैसे लगा पता तेरे को? कहाँ है लड़की, कहाँ है लड़की, लड़का है ये? गुई पहले क्या बोला मैंने? पता तो है नहीं तुझे। लूना रो रही है, देखो लूना को गुस्सा आ रहा है मेरे पप्पीज को क्या कर रहे हैं। ये लो आपके पप्पीज। तो गाइस अभी मैं खा रहा हूँ खाना, खाने में है साग की सब्जी और रोटी और ये दूध जिसकी जरूरत मुझे बहुत ज़्यादा है। अभी मेरे को एक बात याद आ गई कि मम्मी मेरी सिंगर है, अभी मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट की है कि एक गाना सुना दे हमारे हिल मिचल की फैमिली के लिए। लोकल गाना है, पता नहीं आपको समझ आएगा कि नहीं, चलो सुनते हैं। हिल मिचल वाले गाना सुनना चाहते हैं आपका। क्या बात है, तो गाइस देखिए लिरिक्स आते नहीं है मेरे, मेरी मम्मी है क्योंकि मुझे भी लिरिक्स नहीं आती है, मैं भूल जाता हूँ लिरिक्स, ये सेम मेरी तरह है, कोई बात नहीं। देखिए 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 इनको, बस हुआ है।
तो मुझे एडिटिंग करते करते 3 to 4 hours हुए हैं अभी, और अभी रात के 12:30 बज चुके हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए हिल में चिल को, और नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि मैं बहुत जल्द आपके लिए नया ब्लॉग लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।